दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइस आज आप सबकी हाई डिमांड के बाद फाइनली मैं बनाने जा रहा हूँ लिविंग इन कार फॉर 24 आवर्स चैलेंज। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30, पीछे खड़ी है मेरी गाड़ी, हाँ मेरी, और अभी मैं इसमें बैठने जा रहा हूँ और सबसे पहले चैलेंज शुरू करते हैं। तो गाइस फाइनली मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ और मेरा चैलेंज हो चुका है स्टार्ट। और हाँ, मुझे अभी थोड़ा सा डर सा तो लग रहा है क्योंकि पहली बार मैं कोई इस तरह का 24 आवर्स चैलेंज कर रहा हूँ जहाँ मुझे किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में सरवाइव करना है। मुझे क्या लगता है ना कि गाड़ी में बैठना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, वो तो आप लोग बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते थे भैया बनाओ, तो बना रहा हूँ। बाकी मुझे ये चैलेंज लगता नहीं है अच्छा, क्योंकि एक नंबर दो नंबर मैं करके आया हूँ, खाने का जुगाड़ भी हो ही जाता है। तो चैलेंज जो है असली वो बोर ना होने का, और बोर ना हो इसके लिए मैं अपने पास एक बंदा और लाया हूँ। ये भी मेरे साथ आज गाड़ी में रहेगा 24 घंटे। तो ये चैलेंज सिर्फ मैं अकेला नहीं करने वाला, ये मेरे साथ डीके भी करेगा। मेरा चैलेंज कब से हो गया भाई? अभी जब मैंने बोला था तेरा भी हो गया ना यार। ये दोस्ती निभाने का दिन है आज, और तुझे दोस्ती निभानी है। अब निशु ने आज नहीं निभाई दोस्ती चैलेंज के लिए मेरे साथ, तो तुझे निभानी पड़ेगी ना। मैं निभा लूंगा यार, इतना तो कर सकता हूँ। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? और हाँ गाइस, अभी हम जाएंगे, सबसे पहले हमें तलाश करनी पड़ेगी खाने की, क्योंकि कुछ तो खाना पड़ेगा यार। इतना नहीं खाएंगे कि टट्टी आ जाए एकदम हम भाग के चले जाएं, पर कुछ तो खाएं, साला जीना भी तो है। बात तो सही है। तेरा क्या खाने का मन है डीके, तू बता। भाई सुबह सुबह बहुत हल्का सा खाएंगे क्योंकि भारी तो वैसे भी नहीं खा सकते, दिक्कत हो गई तो। साइकिल पे चले खाने का कचौड़ी जो मिलती है। तो गाइस हम दोनों की ना सोच बड़ी मिलती है, इसकी भी फेवरेट है मेरी फेवरेट है वो है कचौड़ी, और इस एरिया में तो नहीं है पर जहाँ भी मिलेगी चल लेंगे, गाड़ी में ही तो रहना है। मैंने देखा है चैलेंज भाई डीके, लोग ना पता नहीं कंबल लगाए सब लेके आते हैं। एक तू आया, मैंने तुझे बोला था भाई मुझे 24 आवर्स चैलेंज बनाना, इसको बताया था मैंने कल, तो बस कैमरा लिया आया, कह रहा हो गया अरेंजमेंट। हमारे पास ना कंबल है, रात को सोएगा कहाँ? अरे ये है ना, इसको ऐसे फैलाऊंगा मैं, सो जाऊंगा। ठंड लगेगी जब एसी में, एसी चलाएंगे नहीं ना भाई, फिर गर्मी लगेगी, फिर हल्का चलाएंगे। पर हाँ गाइस, आज की चैलेंज मेरा टारगेट पता क्या है? गाड़ी में रहने के बाद भी बोर नहीं होना। गाड़ी में रहकर जितनी चीजें पॉसिबल है इस दुनिया में आज हम वो सब करेंगे। गाड़ी में रह के चाहे हमें फिल्म देखनी पड़े, चाहे गाड़ी में रह के स्काई डाइविंग करने पड़े, चाहे गाड़ी में रह के हमें पूल में जाना पड़े। आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। भैया दो कचौड़ी दे दो, बढ़िया प्याज ज्यादा डाल देना प्लीज। कुछ तरीका है भीख मांगने का? तो गाइस फाइनली गाड़ी में बैठे बैठे हमको मिल चुकी है हमारी लजीज कचौड़ी। ये देखिए, देखने में जितनी सुंदर लग रही है बस खाने में उतनी टेस्टी, तो मजा आ जाएगा। गाइस कचौड़ी खाने का मन जो था वो मेरा था, पर ये मेरा जो डायनासोर दोस्त है इसने दो प्लेट खा ली। पेट नहीं होता तो क्या करूं? देख रहे हो, एक मारक भी खा के एक हाथ में है और शायद इसके भी और इच्छा है, शायद ये खत्म होते एक। तुम्हें शर्म है कुछ? मैं भाई तुझे एक बात समझ नहीं आ रही क्या यार? अगर तू ज्यादा खाएगा तो टट्टी आएगी, तू हार जाएगा और फिर तुझे गालियां पड़ेंगी। होगी नहीं ना, मुझे पता है, पूरा विश्वास है, चैलेंज तो पूरा करूंगा भाई। तो गाइस कचौड़ी हमने खा ली है और अभी बज रहे हैं 11:30, मतलब फाइनली हमारा जो है 1 घंटा इस चैलेंज में पूरा हो चुका है। 1 घंटा किया, 24 घंटा थोड़ी, 10 घंटा थोड़ी, जो इतना खुश हो रहे हो, 1 घंटा हुआ। अभी ये बोलो कि भाई अभी 1 घंटा हुआ, अभी 23 घंटे बचे हैं। भाई पागल है क्या यार, हर छोटी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर हम अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करेंगे तो हमें और जज्बा मिलेगा। ये तो बहुत ज्यादा छोटी इसको तो मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा। ठीक है भाई, 1 घंटा हमारा पूरा हो चुका है, अब थोड़ी देर टाइम पास करने से अच्छा है हम चलते हैं निशु के पास और निशु को भी दिखा के आते हैं कि हमारे अंदर भी अब जज्बा आ चुका है और उसके मुंह पर तमाचा है, ये हमारा ये चैलेंज, उसके मुंह पर बेइज्जती है ये चैलेंज। अभी से लेटने लगा यार, यार पता नहीं क्या हुआ, सुबह उठते ही बहुत ज्यादा बैक में पेन रहता है जबकि मैं कुछ करता भी नहीं ऐसा यार। अबे भाई ये सेम प्रॉब्लम थी मुझे, तुझे पता है इसका सबसे बड़ा रीजन होता है खराब मैट्रेस पर सोना। देख पूरे दिन थकने के बाद हमारी बैक को चाहिए होता है रिलैक्स और अच्छी नींद, और खराब मैट्रेस की वजह से यही नहीं मिल पाता। इसीलिए मैंने अपने लिए मंगवाया है वेकफिट और तो मेमोरी फोम मैट्रेस, जो मेरी स्पाइन को अच्छा रखने में और सुबह फिट उठने में बहुत हेल्प करता है। वेकफिट की शुरुआत 2016 में हुई थी और डायरेक्टली प्लांट से कस्टमर को प्रोडक्ट शिप करते हैं। इनके 8 लाख से ज्यादा कस्टमर्स और 18 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट ये ऑलरेडी सेल कर चुके हैं विद गुड रेटिंग्स। इसमें लेयर्स है जो मेरी बैक को सपोर्ट करने के साथ साथ एयर को सर्कुलेट करती है जिससे हीट बिल्डअप नहीं होती। इसके साथ एक स्पन निटेड एक्सटर्नल कवर आता है जिसको इजिली मशीन में वॉश कर सकते हैं। यूजुअली हमें ट्राई एंड बाय मिलता है पर वेकफिट हमें देता है बाय एंड ट्राई का ऑप्शन। इंडिया में वेकफिट के 25 से ज्यादा स्टोर्स है जहां से तू इजिली ये मैट्रेस बाय कर सकता है। 100 दिन के ट्रायल के बाद भी अगर तू वापस
करता है तो तुझे पूरा रिफंड मिलता है बिना किसी सवाल जवाब के। इसके रिव्यूज में मोस्टली लोगों ने इसको वैल्यू फॉर मनी एंड हेल्पफुल फॉर बैक पेन बताया। अरे यार ये तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया तो है ही, तभी तो मैं यूज करता हूँ, तू भी मंगा ले अपने लिए। और गाइस आप भी इस मैट्रेस को ऑर्डर कर सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हाँ, अभी ले लोगे तो फायदे में रहोगे क्योंकि अभी मेरा कूपन कोड यूज करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो देखते हैं आज क्या बोलेगी इस चैनल के बारे में। हेलो, कहाँ है? घर पे हो? अरे नीचे आते हैं, घर के नीचे आया हूँ। किस लिए? अरे आया हूँ किसी काम से, नीचे आना। आजियो रुक, कैमरा लगा के रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो? भाई आज हम चैलेंज बना रहे हैं। कब से? दो घंटे हो भी गए हमारे चैलेंज। दो घंटे में तो खत्म हो जाती है तेरी वीडियो। 24 आज चैलेंज बना रहा हूँ मैं। क्या? लिविंग इन कार फॉर 24 आवर्स। अबे भाई बहुत आसान है मेरे लिए सब। भाई पहली बात तो मुझे यही सोच के हंसी आ रही है कि ये 24 घंटे का चैलेंज बना रहा है। 24 घंटे का बना रहा हूँ, पहली बार तेरे बिना ही बना रहा हूँ। तो मेरे को क्यों बुलाया? ताकि थोड़ी देर के लिए तो आ जाए कम से कम। इतना ईमानदार यूट्यूबर देखा है कहीं? क्लाउड खाने वाला। अबे पागल, तुझे दिखाना भी तो था, तू ही तो मुझे बोलती थी मैं तेरे बस की 24 आवर्स चैलेंज वीडियो नहीं है, ये खाने की बनाता है, ये देख। ये सब मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है यार, बाएं हाथ का खेल है। देख दो घंटे हो गए ऑलरेडी। दो घंटे हो गए नहीं, दो ही घंटे हुए हैं। दो घंटे हो गए बस, 22 तो बचे हैं। अबे साले पहले पूरा करके दिखा तो मानूंगी। 22 से ज्यादा मुश्किल मेरे वाले चले होते, जिनमें गैस करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग ही लगाना पड़ रहा है, सब हो जा रहा है। 22 से कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ भाई, 24 घंटे वाले चैलेंज तो कहाँ ही मुश्किल होते हैं, बहुत आसान होते हैं, इसलिए अब ये पूरा करके दिखाए तो मान। पूरा ही करूंगा तो करना, परेशान हो गए हम लोग। चलो सही रहा, ये आ गई है, अब कम से कम बाहर जाने से कुछ सामान वाना होगा तो ये कर देगी। कर तो दूंगी। जा पानी लेके आया। पानी चाहिए बस, ला रही हूँ। अरे मुंह लगा दिया इसने, अबे मुंह क्यों लगा दिया? तुझे ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरे काम करूंगी और तेरी मदद कराऊंगी चैलेंज पूरा होने में? चाचा गलत हो रहा है। इतना टाइम नहीं है यार, ले ले पानी ले, पानी ले। भाई यार ये क्या पागलपन है, उल्टा हमारी मदद के लिए आई थी मुझे लगा, ये तो उल्टा हमारे मजे लेने आई है। एक तो वैसे ही चैलेंज अपने पे मुश्किल लग रहा है, मतलब उतना नहीं, थोड़ा बहुत तो लग रहा है। तो गाइस अभी बज गए 4:15, मतलब मुझे और डीके को गाड़ी में बैठे हुए ऑलमोस्ट 6 घंटे पूरे हो चुके हैं। बट दिक्कत की बात क्या हो रही है कि आप देख सकते हो ऊपर भी बारिश पड़ रही है बढ़िया वाली, जिसकी वजह से पानी नहीं पीने को मिला। जब से कचौड़ी खाई उसमें मिर्च खा ली, तब से प्यास लग रही थी, फिर सोचा निशु को बैठाते हैं, उसकी मदद लेते हैं, वो पानी पिलाएगी, वो तो क्या ही पिला के गई है हमें। अब भाई चलते हैं, ट्राई मारते हैं, देखते हैं कोई पानी पिला पाता है हमें, नहीं पिलाता। भैया पानी की बोतल दे दो यार एक। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। तो गाइस बढ़िया पानी का जुगाड़ हो गया भैया की वजह से, 3 घंटे टक्कर मारने के बाद। पानी पीने के कोई फायदा को, पानी पीने के बाद ये बोतल काम आ जाएगी अगर लघु शंका भी लगी तो। क्या बोलता है लघु शंका, समझता है? हाँ भाई मैं भी हिंदी मीडियम। कौन कौन सी शंका है? लघु शंका, दीर्घ शंका, दोनों में फर्क क्या है? लघु मतलब हो गया पानी वाला, वो क्या बोलते हैं लिक्विड, लघु मतलब हो गया लिक्विड, और दीर्घ मतलब कितनी कमजोर हिंदी है। क्या होता है दीर्घ का मतलब? लघु मतलब होता है छोटा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, और लघु शंका मतलब होता है परेशानी, मतलब छोटी परेशानी बड़ी परेशानी, शंका मतलब परेशानी। ओ भाई एक और चैनल खोलना पड़ेगा, गेट नॉलेज फ्रॉम मैंक कौशिक। और हाँ मुझे शाम को एक काम है, तो उसके लिए मैं अपना ये लैपटॉप भी लेके आया हूँ, शाम को एक मेरी मीटिंग है तो वो छोड़ नहीं सकता, तो चार्ज करके मंगवाया हूँ, बस हॉटस्पॉट पे लगा के इसमें वो भी देख लूंगा। क्या कहते हैं वो क्या देख लूंगा, मीटिंग के लिए आया हूँ यार, समझ रहे हो? वो क्यों बोल गया तूने? अब उनको पता नहीं क्या गलत लगेगा, मीटिंग के लिए लाया हूँ भाई, मीटिंग के लिए। चल खाना खाने चलते हैं। तो गाइस अभी हम आ गए एक ऐसी जगह जहाँ पर मैगी मिलती है, वो भी गाड़ी में बैठकर। आज मुझे लग रहा है कि मैं जो इधर उधर गाड़ी में बैठ के घूमता फिरता था, खाता पीता था, आज उसका फायदा हो रहा है इस चैलेंज में। बस हाँ अभी तक ऐसी जगह मैं कोई डिस्कवर नहीं कर पाया था ना, गाड़ी में बैठ के मूतने को मिलता है, तो उसी का ही डर है। अभी मस्त खाएंगे, देखते हैं मैगी कैसी है, यहाँ की मैगी बस सुनने में आया बहुत तगड़ी बनाते हैं। एक पंजाबी पास्ता कर दो और एक कर दो डबल चीज मैगी और एक कोल्ड कॉफी। भाई अपना पंजाबी पास्ता यहाँ पे आ चुका है, मन कर रहा है सारा खा जाऊँ अकेले, डीके बना दूँ और मैगी वैगी जो है सब अकेले खा जाऊँ, पर इतना खाने के बाद ना वो दिक्कत ना पता है ना वो हो सकती है, इसलिए थोड़ा हल्का कर रहा हूँ। तो गाइज खाना खा चुके हैं, ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं, लगभग 8-8.5 घंटे हो चुके हैं मैं गाड़ी में बैठे हुए। अब जो सबसे ज़्यादा दिक्कत मैं फेस कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि टॉयलेट जो है वो आना शुरू हो चुका है, एक नंबर का प्रेशर शुरू हो चुका है आना,
अभी देखता हूँ मैं कितना कंट्रोल कर पाता हूँ। नहीं कंट्रोल होगा तो फिर मैं एक ट्रिक जो बोतल वाली बताई थी वही मैं सोच रहा हूँ कि अगर ज्यादा प्रेशर हुआ फिर वो वाली लगा के देखूंगा कि अगर काम होता है नहीं होता। पहली बात तो गाड़ी ऐसी जगह जल पड़ेगी जहाँ कोई देख ना रहा हो, फिर भी मैं तो हूँ ही गाड़ी में तेरे साथ। नहीं नहीं तुम तो देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इतना डिटेल मैंने बता रहा। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 8:30, मतलब हमको ऑलमोस्ट 10 घंटे हो गए इस गाड़ी में बैठे हुए। और सिर्फ बैठा नहीं हूँ मैं गाड़ी में, सुबह से गाड़ी 150 किलोमीटर चला चुका हूँ क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी आती है और मुझे गाड़ी चलाना पसंद भी बहुत है। तो फिर बैठा नहीं गया शांत, मुझसे मन करा चलाते रहो ठीक है, कुछ काम भी नहीं करा आज पूरे दिन। अब दिक्कत क्या हो रही है कि एक तो कमर में थोड़ा बहुत दर्द होना शुरू हो गया क्योंकि एक ही जगह बैठा हूँ, सीट भी चेंज नहीं करी हमने, मैं पीछे भी नहीं गया आगे नहीं गया, पैर भी सीधे नहीं हो पाए सुबह से। तो बैठे बैठे जो पेन हो रहा है वो अलग है, सबसे मेन दिक्कत जो आ रही है वो हमें एक नंबर की आ रही है। बैठा तो आदमी चलो फिर भी रहे, मैं किस तरह करूंगा। अब देखते हैं मुझ में और डीके में सबसे पहले विकेट किसका गिरता है क्योंकि हम दोनों को भूत लेट आ रहे हैं। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और ऑलमोस्ट 13-14 घंटे हो चुके हैं गाड़ी में बैठे बैठे और कमर पूरी ना टूट चुकी है, ऐसे मन कर रहा है लेटने का। वो हम लेट भी सकते हैं गाड़ी में, वो फीचर है, पर जो मेन समस्या है ना वो लेटने में दे रही, वो है सुसु की समस्या। और अभी क्या है कि आसपास एक दो लोग घूम रहे हैं 12:30 बजे भी बाहर, बोतल में करना थोड़ा मुझे ऐसा ऑकवर्ड सा लग रहा है, पर हाँ ठीक है अभी मुझे लग रहा है कि मैं आधा एक घंटा और होल्ड कर सकता हूँ। तो मैं और धीरज अभी सिर्फ होल्ड करेंगे आधा एक घंटा टॉयलेट को, उसके बाद बोतल में देखेंगे हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते, सारा गेम उसी के ऊपर डिपेंड है। क्या 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 मैं और धीरज क्यों करेंगे, अब मेरे बस की नहीं करना भाई, मैं जा रहा हूँ। और क्या कहते हैं, मेरा चैलेंज नहीं था तुम्हारा, और जबरदस्ती कोई बात नहीं भाई सह लूंगा। 13 घंटे यार यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, फिर मेडिकल वाली जो इशू आएगी वो कौन देखेगा। ओ भाई अपना एक विकेट तो गया, ध्यान रखना अपना ठीक है, कोई जरूरत हो फोन मत करना। अबे सुन भाई बंद सच में निकल गए 13 घंटे बैठ के। गाइस अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 5:00 और मेरी आंख लग गई थी डीके के जाने के बाद, मैं रील चला रहा था उसके बाद मेरी आंख लग गई और अब मेरी आंख खुली है पता किस वजह से, मेरा बहुत तेज टॉयलेट आया और जो मैंने सोचा था कि मैं टॉयलेट बोतल में कर लूँगा वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मुझे या तो कॉन्फिडेंस नहीं आया उस लेवल का कि मैं कर लूँ। और दूसरी बात यह है कि आसपास कोई ना कोई पूरी रात भर घूम ही रहा था यहाँ पे, अभी तो खैर जॉगिंग वाले लोग आ गए हैं तो अभी तो इम्पॉसिबल हो गया बिल्कुल, और मुझे उतरना ही पड़ेगा। और अब मैं कंट्रोल करूँगा तो कुछ ना कुछ मेरी हेल्थ को इश्यूज हो जाएंगे। पर हाँ मुझे एक चीज़ समझ आ गई है कि 24 आवर्स वाले चैलेंज में टॉयलेट एक बहुत बड़ा कंसर्न है, टॉयलेट आता है बहुत तेज आता है। बाकी अभी 4-5 घंटे बाकी है चैलेंज पूरा होने में, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग मानो कि मैंने चैलेंज पूरा करा है, हाँ मैं चैलेंज हार गया, आप लोग जो बोलना चाहे बोल सकते हो, पर मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया, फिर भी मैं पूरा नहीं कर पाया उसके लिए सॉरी, क्या कर सकते हैं। बट अगर आप इस वीडियो पर 50,000 लाइक करा दोगे तो अगली बार मैं फिर ऐसा कोई सर्वाइवल चैलेंज बनाऊंगा, इस बार जरूर मैं कोई ना कोई अल्टरनेटिव सोच के आऊँगा टॉयलेट का। तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अरे भागो